This video is proudly associated with Data Technology Consulting Private Limited, Locus Point for Public Safety Solutions, Software and Analytics, Infrastructure, Development and Consultancy. Hi everyone and very warm welcome to our channel. आज हम जा रहे हैं समुंदर कठा झील देखने. काफ़ी तारीफ सुनी है इस जगह की. देखते हैं कि किस हद तक ये बात ठीक निकलती है. अभी हम M1 मोटरवे पर हैं और M1 मोटरवे इस्लामाबाद को पिशावर से मिलाता है. ये मोटरवे 13 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ था और अक्टूबर 2007 में ट्रैफिक के लिए खोला गया था. मोटरवे की कुल लंबाई 155 किलोमीटर है, जिसमें से 88 किलोमीटर खैबर पख्तूनख्वा में और 67 किलोमीटर पंजाब में है. इस मोटरवे का मंसूबा दरअसल 1993 में शुरू हुआ और एक तुर्क कंपनी को इसकी तकमील का ठेका दिया गया. मुख्तलिफ वजूहात की वजह से 1993 से 1997 तक मंसूबा तअतल और सुस्त रवि का शिकार रहा है. बाद में जब तुरखम बॉर्डर और गवादर पोर्ट को M2 मोटरवे से जोड़ने की ज़रूरत महसूस की गई तो हुकूमत ने इस मंसूबे पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू किया. इस तरह यह मंसूबा 2007 में मुकम्मल हुआ और अक्टूबर 2007 में M1 मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया. पेशावर से शुरू होकर ये मोटरवे काबल दरिया अबूर करके चारसद्दा, रिसालपुर, सवाबी और रशाकई से होता हुआ दरियाए सिंध अबूर करके पंजाब में दाखिल होता है. इस्लामाबाद के करीब ये M2 मोटरवे से मिल जाता है. इसकी 6 लेन हैं. इस मोटरवे पर 14 इंटरचेंज हैं. इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जाने के लिए भी इसी मोटरवे के एयरपोर्ट इंटरचेंज को इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेसवे E35, जिस पर हम आज सफ़र भी करेंगे, बर्मा बोहतर इंटरचेंज, जो कि अगर आपने डेरा इस्माइल खान जाना हो तो इस्तेमाल किया जा सकता है, चारसद्दा, सवाबी और रशाकई इंटरचेंज भी मशहूर इंटरचेंज हैं. दरिया हारो, सिंध और दरिया काबल समेत 3 बड़े पुल भी इस मोटरवे पर आते हैं. इसके अलावा 18 फ्लाईओवर्स, 27 छोटे पुल, 137 अंडरपास और 10 सर्विस एरियाज़ भी इस मोटरवे प्रोजेक्ट में शामिल हैं. अब आते हैं वापस अपने समुंदर कठा झील की तरफ सफ़र. इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे टोल प्लाजा से हम M1 में दाखिल हुए हैं और हज़ारा एक्सप्रेस इंटरचेंज से हम M15 पर और E35 पर सफ़र करते हुए जब्बरझर पुल से गुजरेंगे. ये पुल CPAC के तहत बनाया गया है. E35 पर सफ़र करते हुए हम मोड़ी के करीब डोर दरिया पार करेंगे. काफ़ी देर तक E35 डोर दरिया के साथ साथ सफ़र करता है और फिर हम एबटाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास से गुजरेंगे. इससे पहले कि हम अपने सफ़र में आगे बढ़ें, अभी हम एबटाबाद के पास से गुजर रहे हैं तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा जिक्र एबटाबाद का भी करते जाएं। एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है. यह आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 40वां और खैबर पख्तूनख्वा का 6ठा बड़ा शहर है.
महल वकूअ के लिहाज से ये इस्लामाबाद रावलपिंडी से कोई 120 किलोमीटर शुमाल में और पेशावर से 150 किलोमीटर मशरक में वाक़ है। सन 1853 में ब्रिटिश राज के दौरान जब डिस्ट्रिक्ट हज़ारा का इलाहाक पंजाब के साथ हुआ तो मेजर जेम्स एबिट ने इस शहर को बसाया। मेजर जेम्स एबिट 1849 से लेकर 1853 तक हज़ारा डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर रहा। आगे चलकर 20वीं सदी में इस शहर ने एक मिलिट्री कंटोनमेंट और शहर में कायम सेंटोरियम की वजह से शोहरत हासिल की। सेकेंड डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न आर्मी का हेडक्वार्टर इस शहर में कायम किया गया, जो कि मकामी इन्फेंट्री की 4 बटालियंस बशमूल 5th गोरखा राइफल्स और 2 मकामी माउंटेन बैटरीज पर मुश्तमिल था। 1901 के आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ की आबादी लगभग 7,500 नफूस पर मुश्तमिल थी। शहरी इंतजामिया की आमदन का दारोमदार मुख्तलिफ अशिया पर लागू टैक्स पर था। इसी दौरान यहाँ अल्बर्ट विक्टर यूनाइटेड एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल, म्यूनिसिपल एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी कायम की गई। 1947 की पार्टीशन के बाद कश्मीर की तरफ से आने वाले महाजरीन के इलाज मुआलजे के लिए 1948 में ब्रिटिश रेड क्रॉस का हस्पताल एबटाबाद में कायम किया गया। 2005 के जलजले में एबटाबाद की कुछ तारीखी इमारतों को जज्वी और कुल्ली तौर पर नुकसान पहुंचा। जहां तक यहां के मौसम का ताल्लुक है तो गर्मियों में यहां पारा ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि कभी कभार की बर्फबारी की वजह से बाज़ुकात सर्दियों में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर जाता है। सियाहत का ये खुद भी एक मरकज़ है, लेकिन कोराक्रम, हमालिया और हिंदुकश पहाड़ी सिलसिलों को जाने वाले सियाहों के लिए एक बेस कैंप का दर्जा भी रखता है। हुंजा, गिलगित और स्कर्दू जाने के लिए भी रास्ता एबटाबाद से जाता है। एबटाबाद का लिटरेसी रेट 56% है, जो कि एक अच्छी बात है। इसमें मौजूद तालीमी अदारों की वजह से मुल्क भर से नौजवान हसूल तालीम के लिए एबटाबाद का रुख करते हैं। इस तरह से एक लिहाज से एबटाबाद में 15 से 30 साल के नौजवानों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पिप्स आर्मी बर्न हॉल कॉलेज, आर्मी पब्लिक स्कूल काकुल, एबटाबाद पब्लिक स्कूल, अयूब मेडिकल कॉलेज, फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज, कॉमसेट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी शामिल हैं। एबटाबाद आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़रिया ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तहम एबटाबाद से 30 मिनट की दूरी पर हवेलियाँ रेलवे स्टेशन मौजूद है, इस ज़रिए आमदन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो था मुख्तसर सा तारीफ एबटाबाद का। अब हम वापस अपने सफ़र की तरफ आते हैं। हवेलिया इंटरचेंज से हम नेशनल हाईवे N35 पर आ गए हैं। समुद्र कटा जाने के लिए हमने एबटाबाद में आर्मी पब्लिक स्कूल के पास से मरी रोड ली है और अब हम मरी रोड पर सफ़र कर रहे हैं और बाकी का हमारा सफ़र जो है वो मरी रोड पर ही तय होगा। आगे जाकर समुद्र कटा रोड पर भी हम सफ़र करेंगे। मरी रोड पर सफ़र करते हुए डमटोर के नज़दीक हम दोबारा ग्रैडोर के किनारे पर आ गए हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है। दूर ऊंचे पहाड़ों पर आबादी देखकर एहसास होता है कि बज़ाहिर वीरान दिखने वाले पहाड़ों को भी लोगों ने आबाद कर रखा है। ज़िंदगी बहरहाल उनकी काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि खाने पीने की अशिया और दूसरी ज़रूरत की अशिया दूर दराज इलाकों से लानी पड़ती होंगी और इतने ऊंचे पहाड़ों पर उसको लेके चढ़ना ज़ाती तौर पर एक अपनी जगह पे एक मशक्क़त है। ये रहे यहाँ के चंद दिलकश मनाज़र। हमारा सफ़र समंदर कटा की तरफ जारी है।
मरी रोड पर ही आगे जाकर हम नथिया गली की तरफ मुड़ेंगे। ये बिगनोटर का इलाका है, इधर रेस्ट हाउसेस और दूसरे छोटे होटल मौजूद हैं। अगर इस इलाके की सैर करनी हो और रात गुजारनी हो तो इधर रुका जा सकता है। बिगनोटर से थोड़ा आगे जाकर हरनोई आबशार आता है, कुछ लोग हरनोई आबशार देखने के लिए भी जाते हैं, एक अच्छा सियाहती मरकज है। बगनौतर से आगे ये गलीज गेट रेस्टोरेंट है, साथ ही एक छोटी सी मस्जिद भी है। बगनौटर से आगे आकर हम नथिया गली रोड पर आ गए हैं। बज़ाहिर एक छोटी सी सड़क है लेकिन आसपास फितरी हुसन काबले दीद है। खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, ऊंचे सरों का दरख्त, दरख्तों पर चिड़ियों की चहचहाहट और कहीं कहीं नज़र आने वाले बंदर इस इलाके के हुसन को चार चांद लगाते हैं। इसी रोड पर आगे चलकर छोटे मोटे कई होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, लिहाजा खाने पीने और थोड़ा सुस्ताने के लिए इंतज़ाम अच्छा है। एबटाबाद तक रोड बहुत अच्छी है, आगे रोड इतनी बुरी नहीं है पर छोटी गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। 1300 सीसी कार या इससे ज़्यादा कैपेसिटी की सवारी इस तरह की रोड्स के लिए अच्छी है। कुछ लोग महज मोटरसाइकिल पर भी आ जाते हैं, अपनी अपनी हिम्मत है। समुंदरकठा झील इस सड़क पर बस थोड़े ही फासले पर है। बहरहाल ये सड़क भी इलाके के लोगों की आमदोरफ्त के लिए काफ़ी है। ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल या किराए की कार और जीप्स में सफ़र करते हैं। बरजबे सड़क एक लड़कियों का और लड़कों का स्कूल है। आज हफ्ता है पर यहाँ स्कूल खुले हुए हैं। ये पानी की गुजरगाह ही शायद एक सड़क है जो समुंदरकठा झील तक जाती है। आसपास की पहाड़ियों पर आबादी के आसार नज़र आ रहे हैं। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी आसपास गांव की औरतें ईंधन इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं।
आखिरकार सारा सफर करने के बाद हम समुंदर कथा झील पहुंच गए हैं। एक छोटी सी झील है जिस पर बहुत ही कलील तादाद में लोग आए हुए हैं। आसार से तो नहीं लगता है कि इस झील को एक सियाहती मकाम बनाने पर कोई तवज्जो दी गई है। लोगों के आने जाने की वजह से मकामी अफराद ने थोड़ा बहुत बैठने और खाने पीने का इंतज़ाम कर रखा है। झील का पानी बहरहाल बहुत शफाफ है और पुरसकून माहौल की वजह से बज़ाहिर छोटी सी झील भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। लोग इधर उधर घूमकर फोटोग्राफी करते नजर आते हैं। झील से जो पानी आगे निकलता है वो एक छोटे से नाले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप काफ़ी देर यहाँ बैठकर झरने से पानी बहने की आवाज़ सुनकर लुत्फ़ानंदोज हो सकते हैं।
आसपास के पहाड़ों को देखकर महसूस किया जा सकता है कि ज़माना ही कबलस तारीख में किस किस्म के जियोलॉजिकल प्रोसेस से ये पहाड़ महरज़ वजूद में आए होंगे। कई जगहों पर आप इस वक्त एक्सट्रीम हीट और दूसरी सेस्मिक एक्टिविटीज़ के आसार देख सकते हैं। हमने इधर उधर घूमकर भी देखा है, पर इधर इस छोटी सी झील के अलावा हमें कोई काबले दीद जगह नज़र नहीं आई। जहाँ तक खाने पीने की अशिया का ताल्लुक है, एक छोटे से होटल के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। पकोड़े और चाय मिल जाती है, पर शायद आपको जायका पसंद ना आए। अब हम वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। स्कूल के बच्चों को छुट्टी हो गई है और उनको पहाड़ों पर बने अपने घरों में पैदल जाते आप देख सकते हैं। यकीनन ये बच्चे तालीम हासिल करने के लिए रोज़ाना कम से कम दो दफ़ा इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं। वापसी के लिए हमने तय किया है कि वापस एबटाबाद की तरफ जाने की बजाय मरी की तरफ से जाया जाए। नथिया गली से होते हुए अयूबिया नेशनल पार्क के साथ साथ हमने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है। फरवरी की आज 20 तारीख है, लेकिन आगे हमारे लिए एक दिलकश सरप्राइज़ मौजूद है। गलियात में अभी भी बर्फ़ देखी जा सकती है। दूर से ही इतना दिलकश नज़ारा है, यकीनन नज़दीक जाकर अच्छा महसूस होगा। हम बर्फ़ की इस मौसम में तवक्को नहीं कर रहे थे।
अभी हम डोंगा गली, कूजा गली, चांगला गली और खेरा गली से गुजर रहे हैं। यहाँ आसपास बर्फ से कुछ मकामी फनकारों ने बर्फ के मुख्तलिफ फन पारे बना रखे हैं। लोग इनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं और चाहें तो आसपास मौजूद फनकारों को कुछ दे दें, वो ले लेते हैं, खुद से कुछ नहीं मांगते। ओवरऑल देखा जाए तो समुंदर कंठा झील पर हमें कोई ख़ास काबिले दीद चीज़ महसूस नहीं हुई। हाँ, वहाँ तक पहुँचना और आसपास के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होना अपनी जगह एक तफरी है। बाड़ियाँ क्रॉस करके हम मदी के रास्ते अब इस्लामाबाद जा रहे हैं। बहरहाल हमने इस विज़िट को बहुत इंजॉय किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you very much for watching.